नमस्कार, माखड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। और वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला, जहां पर शुरुआती कारोबार ठीक ठाक, सेकंड हाफ में तेजी आई और तेजी के बाद भारतीय बाजारों ने अपने नए रिकॉर्ड्स टच किए और फिर रिकॉर्ड्स के बाद सेकंड हाफ में राधा लास्ट आर में एक बिकवाली का दौर देखने को मिला और एक मार्केट्स टूट कर लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। बहुत डैमेज नहीं था क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स तो हरे निशान में बंद हुआ और करीब करीब 1% की तेजी पाते हुए दिखाई पड़ी। ऑब्वियसली बात है, बहुत सब सेक्टर्स जो है जहाँ पे खरीदारी थी, जैसे कि हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है, ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में। और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कैपिटल गुड्स था, फार्मा था, रियल स्टेट था, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहाँ पर आज खरीदारी का दौर देखने को मिला। इसके अलावा सेलेक्टिव और सेक्टर जैसे कि सीमेंट में लगातार दूसरा दिन जबकि मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, कमोडिटी बेस्ड कंपनीज के अंदर एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो कुछ कुछ शेयरों में खरीदारी रही, कुछ शेयर पार्टिसिपेट कर रहे थे। भारतीय एयरटेल पॉजिटिव खबर के बाद आज एक लंबे अंतराल के बाद दोबारा अपनी तेजी को होल्ड करता हुआ दिखाई पड़ा। टाटा स्टील, JSW स्टील, मेटल स्पेस से एक पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद यहाँ पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। शुरुआती कारोबार में रिलायंस भी कुछ हद तक सपोर्टिव था, तो मार्केट में शुरुआती बाय थी, फिर टूटा, फिर लोअर लेवल से घुमा और ऑब्वियसली आता है अनुमान था भी क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो उतार चढ़ाव का एक अनुमान मार्केट में लगा के चला भी जा रहा था, तो उस लिहाज से भी बाजारों में एक ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। खैर, आगे अब क्योंकि क्रूशियल पार्ट है इसकी अर्निंग्स, जिसमें अब TCS के नंबर्स आएंगे कल मार्केट आज के बाद, उसके बाद एवेन्यू सुपरमार्ट सैटरडे को और उसके अगले हफ्ते से किक स्टार्ट होगा। आज रातर एक अर्निंग शुरू हुई GM ब्रिवरीज की और एक ज़ोरदार नंबर वहां पे आता दिखाई पड़ा। GM ब्रिवरीज के नंबर के बाद उसमें अपर सर्किट लगा, साथ साथ बाकी लिकर कंपनी से ऐसे ग्लोबल स्पिरिट में एक ज़ोरदार तेजी देखने को मिली है। बाकी जो बड़े प्लेयर हैं लिकर के वहाँ पर भी रेडिको खेतान या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर भी यूनाइटेड ब्रिवरीज कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। तो मेजरली इवेंट बेस्ड मार्केट है और जैसे जैसे इवेंट आ रहे हैं अकॉर्डिंगली वहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, बहुत सारे सवाल इतनी सी देर में ही आ गए हैं और बातचीत शुरुआत कर लेते हैं उनके साथ। सबसे पहला सवाल सचिन चावड़ा जी का कि HCL टेक में इस समय पे निवेश किया जा सकता है कि नहीं। सचिन जी, अभी तो थोड़ा देर हो गया, अगर आप कुछ टाइम पहले से देख रहे हो तो, अगर आप मतलब डिपेंड करता है नज़रिया लंबी अवधि का है तो ऑब्वियसली बात है अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं IT स्पेस में, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, स्ट्रॉन्ग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग कंपनी, डेट फ्री, कैश रिच, ग्रोइंग और मतलब हर तरह की चीज़ें इसके बाद बेटर दिखाई पड़ रही हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लंबी अवधि के लिए। लेकिन अगर हाँ, अगर आप नंबर्स के लिहाज से सोच रहे हैं तो ऐसा सुना है मैंने कमेंट्री अच्छी आने वाली आ सकती है, तो ठीक है, कुछ टाइम दीजिए आप। अगर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप बड़ा मूव आया तो थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो आप एंटर करिएगा। अच्छा, भारती के ऊपर सवाल एज यूजुअल आने की उम्मीद थी और आ भी गया। YP सिंह साहब का है, 250 शेयर 400 रुपये के दाम पर। सिंह साहब, आज आप खुश होंगे, 550 का लेवल भी पार कर गया भारतीय आज में एक ज़ोरदार तेजी थी। कल 530-32 था, वहाँ से टूटा था, 525 तक भी आ गया और वहाँ से घूमा, आज कैप अप ओपनिंग हुई और उसका खबर आ गई पॉजिटिव, तो 550 भी पार कर गया। प्रॉफिट में तो है आप 150 रुपये पर शेयर के, आप होल्ड भी कर सकते हैं चाहें तो इसे, अदरवाइज आप थोड़ा और समय भी दे सकते हैं। कंपनी में तो ऐसी भी कोई बुराई ऐसा है नहीं, कुछ और भी मैं सुन रहा हूँ कंपनी के बारे में पॉजिटिव चीज़ें आने की खबरें हैं मार्केट में, कुछ अप्रूवल्स आ सकते हैं इनके बाकी DTH बिजनेस वगैरह को लेकर भी, तो आप बने रह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है, अच्छे नंबर्स की उम्मीद आप गोइंग फॉरवर्ड लगा सकते हैं। बजाज फिनेंस 100 शेयर 5000, होल्ड या सेल? राकेश राजपूत साहब, आपने बहुत अच्छी कंपनी खरीदी है वैसे तो, लेकिन इंटायरली डिपेंड करता है आपके होराइजन पर। मतलब इस दशक में या दो दशकों में, कल हमने एक आंकड़े देखे थे कि दो दशक में यानी कि सन 2000 से लेकर 2020 के ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा कोई रिटर्न अगर कोई शेयर देखे गया तो बजाज फिनेंस है। ये प्री एडजस्टेड यानी बोनस स्प्रेड जो उसका आया था 2016 या 6 में, वो उसको अगर हटा भी दें तो भी ये शेयर ने करीब करीब 80 रुपये का शेयर आज आपके सामने 5000 रुपये के दाम पर है, और अगर उसको एडजस्ट कर देंगे तो 4 रुपये का शेयर आज आपके सामने 5000 रुपये के दाम पर है। तो इस तरह का एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न दे चुका है, यानी करीब करीब 125% का रिटर्न दे चुका है। खैर, ये तो पुरानी बात हुई, नए के हिसाब से ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग में है, सबको पता है बात, और करीब करीब डोमिनेंट पोजीशन वहाँ पे होल्ड करती है,
30-40% के आसपास के रेवेन्यूज जो हैं ये ऑटो फाइनेंसिंग से आते हैं। इनका बजाज मेजर क्लाइंट है, बजाज की जो गाड़ियाँ फाइनेंस होती हैं वो बजाज फाइनेंस के थ्रू होती हैं। कंपनी अच्छी है, प्रमोटर अच्छा है, पेडिग्री अच्छी है और सबसे बड़ी बात अभी भी ब्रोकरेज हाउसेज पे 5600-6000 ऐसे टारगेट्स दे रहे हैं, तो आप बने रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, पेशेंस रखेंगे तो अच्छा पैसा बना के देगा। आपके दाम से अगर आधे दाम पर भी आपको मिलता है तो आप इसमें खरीदारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, IDFC फर्स्ट बैंक के लिए चिराग साहब, कल जब इसके नंबर्स आए थे इनके, इन्होंने अपनी Q3 कमेंट्री दी थी वो बहुत स्ट्रांग थी और उसी समय बाजार में बात उठ गई थी कि ये शेयर तेज होगा काफ़ी और आज 12-15% तक का मूव, 10-12% तक का मूव देखने को भी मिला, तो एक बड़ी तेज़ी तो आ चुकी है। प्रदीप जी वैसे भी बहुत बुलिश है हमारे यहाँ इस स्टॉक को लेकर, तो आप बने रह सकते हैं, समय दे सकते हैं। पोर्टफोलियो स्टॉक तो फिर मैं नहीं बोलूँगा नहीं, आप उसके लिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, इनको देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अब Q3 के नंबर्स अवेटेड हैं, किस तरह की सिचुएशन आती है, मैनेजमेंट कैसी कमेंट्री देता है नंबर्स के बाद, वो दो तीन चीज़ें हैं जिसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इंडिया सीमेंट 500 शेयर 176 रुपये के दाम पर, क्या करा जाए खान साहब? वैसे कंपनी बुरी नहीं है इंडिया सीमेंट, मतलब साउथ की स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है इसकी, रैमको और इसकी दोनों की, अच्छे प्रमोटर हैं, IPL जैसे बिजनेस भी इनके बिजनेस के अंदर कंसो आधार पर आते हैं। थोड़ा डेट था और थोड़े बीच में कंसर्न उठे थे कुछ, लेकिन खबरें यहाँ पर ये भी कई बार उठी हैं कि इसको कोई एक्वायर कर सकता है, चाहे श्री सीमेंट हो या JK सीमेंट हो, कोई भी इसको एक्वायर कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता तो भी री रेटिंग होगी और सबसे बड़ी बात, बाजार के दिग्गज RK धमानी साहब इसमें इन्वेस्टेड हैं बड़ी पोजीशन के लिहाज से, 18% शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका स्टेक है इस कंपनी में, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉल मिले तो आप और खरीदारी कर सकते हैं, ये भी कोई इशू नहीं है। ये सेक्टर ओवरऑल काफ़ी बज रहने वाला है इसमें, स्पेशली प्राइसिंग को लेके, बजट को लेके, हाउसिंग को लेके, तो आप ये दो तीन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अल्काइल अमाइन पे पारिक साहब, ऑलरेडी बड़ी तेज़ी आई है, स्पेशली वो बीच में जो एडजस्टमेंट की खबर आई थी उसके साथ इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। बड़े मूव आ चुके हैं, थोड़ा कूल ऑफ हो तो आप एंटर करें, ज़्यादा बेटर रहेगा अभी, लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी बाद उतरना आउट राइटली वो ठीक नहीं रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कॉल यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हीरो मोटोकॉप पे शुभम जी का सवाल है। शुभम जी, मतलब इस कंपनी के बारे में आपसे क्या मैं बताऊँ कि ये कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं तो देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है टू व्हीलर में, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है टू व्हीलर में, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर रही, ऑब्वियस ही बात है कैश जनरेट करते हैं, डेट इतना बड़ा है नहीं, मल्टीपल सब्सिडरीज भी हैं और अपने पूरे ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी भी है, ओल्ड हिस्ट्री है तो उसका भी कोई सवाल नहीं उठता, तो हर पैरामीटर में कंपनी ठीक है। आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए 3000 रुपये का दाम है तो 2800, 2600, 2400 ऐसे करके चंक्स में आप इसमें पोजिशन लीजिए आपके एपेटाइट के अकॉर्डिंग और एक लंबे टाइम के लिए रखिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है, अच्छा पैसा बना कर दे सकता है। UBL पे जैन साहब, देखिए UBL वैसे तो मतलब लिकर स्पेस में, बियर स्पेस में डोमिनेंट पोजीशन रखती है। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है, ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। 52% का मार्केट शेयर ओन करते हैं ये लोग इस पूरे सेक्टर में, और जब से विजय माल्या साहब इस कंपनी से गए हैं और हैनिकेन ने इस कंपनी में स्टेक खरीदा है तो वो मल्टीनेशनल प्रमोटर के अंडर में आता है, और दोनों मतलब चाहे यूनाइटेड स्पिरिट्स या फिर यूनाइटेड ब्रिवरीज हो, दोनों मल्टीनेशनल प्रमोटर में आता है, वो DIGO में और ये हैनिकेन में। डेट का थोड़ा कंसर्न था, वो ईज आउट हो रही है कंपनी में, धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो रही है। कई बार ये खबर उठती है कि हैनिकेन इसमें स्टेक बढ़ा सकता है, डीलिस्टिंग कर सकता है, इन खबरों के बीच में शेयर तेज हो जाता है, तो वैसे इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प भी हो सकता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रिवरीज दोनों इस तरह समझिए कि देश की सबसे बड़ी, राधा दुनिया की सबसे बड़ी लिकर और बियर कंपनी की सब्सिडरीज हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इनमें आप खरीदारी करने। अभी प्रेशर इसलिए था कि थोड़ा लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन की वजह से पब्स बंद थे तो इनकी डिमांड नहीं आ रही थी बैंगलोर जैसी बड़ी मार्केट्स में से भी, अब धीरे धीरे वो अनलॉक हो रहा है तो सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। आमतौर पर तो शेयर 700 रुपये से 1300 रुपये की रेंज में घूमता है, अब की बड़ी रेंज तोड़ता है तो बड़ी बात होगी, लेकिन आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ग्लोबल स्पिरिट के लिए अरोड़ा साहब,
मतलब आप ऐसे समझिए कि 5 लिकर कंपनियां मेरे ख्याल से 6-7 लिकर कंपनियां लिस्टेड हैं इसमें, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड रेडिको खेतान, यूनाइटेड ब्रिवरीज बियर कंपनी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खेतान, जीएम ब्रिवरीज, ग्लोबल स्पिरिट्स, एसोसिएट अल्कोहल और आईएफबी इंडस्ट्रीज, ये कुछ नाम और एक दो पिंक एंड स्पिरिट वगैरह कंपनियां और हैं। खैर ये बड़े नाम है जो मैंने गिने अभी। इनमें सबसे बड़ा प्लेयर ऑब्वियसली होता है यूनाइटेड स्पिरिट्स है, 72% मार्केट शेयर ओन करता है प्रीमियम सेगमेंट में। फिर आता है रेडिको खेतान सेकंड नंबर पे, जो कि प्रीमियम में भी है और कंट्री मेड लिकर में नहीं है, प्रीमियम स्पेस के अंदर वो कंपनी भी कामकाज करती है और जो रेगुलर बिजनेस है उसके अंदर कामकाज करती है, वहाँ पर इनकी डोमिनेंट पोजीशन है वोडका बिजनेस में। फिर उसके नीचे आइए, आप आती हैं दो रीजनल प्लेयर्स में, जीएम ब्रिवरीज और ग्लोबल स्पिरिट आता है। जीएम ब्रिवरीज है महाराष्ट्र रीजन में प्रेजेंट और ग्लोबल स्पिरिट है राजस्थान रीजन में प्रेजेंट, और राजस्थान में इनकी एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट प्रेजेंस है वहाँ के लोकल मार्केट में और कंट्री लिकर के अंदर। तो ये दो चीज़ों में ग्लोबल स्पिरिट अच्छा होल्ड रखता है। कंपनी आज शेयर अच्छा चला है क्योंकि जीएम के अच्छे नंबर आए, तो बाजार ने उसको रीरेट कर दिया ग्लोबल स्पिरिट को भी, ठीक है। तेज़ी देख रहे हैं, कुछ ब्रोकर ग्रुप में बातचीत देख रहा था, वहाँ पे भी लग रहा है लोगों को कि शायद तेज़ी देखने को मिले। आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करें, नंबर्स तक भी अवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं यूनाइटेड स्पिरिट, मतलब लीडर के साथ रहिए बेस्ट होता है, तो लीडर इज यूनाइटेड स्पिरिट, तो आप उसमें पहुंच जाइए वापस। अच्छा, रश्मि जी का सवाल है टीवीएस मोटर को लेके। टीवीएस के लिए रश्मि जी, बाइक स्पेस में दो बड़े प्लेयर में बजाज और हीरो आते हैं, थर्ड बेस्ट प्लेयर इज ऑब्वियसली वाज़ टीवीएस, और टीवीएस थर्ड क्या है ही तीसरे प्लेयर में। ऑटो स्पेस में बेस्ट प्लेयर इज बजाज ऑटो, सेकंड इज टीवीएस मोटर और थर्ड इज अतुल ऑटो। तो वैसे कंपनी बुरी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप की कंपनी है, टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, तो वैसे इशू नहीं है इस कंपनी के साथ, लेकिन थोड़ा भागा हुआ है। और अगर गिवन अ चॉइस आपको लेना हो नीचे की तरफ, तो आप बजाज ऑटो पहली प्रेफरेंस में रखिएगा, फिर हीरो मोटोवा, फिर टीवीएस। लेकिन आपके पास अगर है तो आप होल्ड कर सकती हैं, 40% का एक अपसाइड दिखे कहीं तो आप निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल आ गए। कराड़ा साहब का सवाल है BPCL के बारे में। सर एक कल रिपोर्ट आई थी सिटी की, उन्होंने बात साफ की कि उनको HPCL पहली प्रेफर्ड पिक के तौर पर वो मानते हैं अपने सेक्टर में, और उनको लगता है कि OMC बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर हो सकता है 2021 का। पहली प्रेफर्ड पिक है HPCL, दूसरी प्रेफर्ड पिक है BPCL, क्योंकि ओवर हैंग है यहाँ पर स्टेक सेल को लेकर, कई नाम मिले हैं इन लोगों को, लेकिन अब कितनी अच्छी डील होती है, मैनेजमेंट चेंज होता है या सिर्फ सेल होता है, डिपेंड करता है, लेकिन BPCL में ये एक ओवर हैंग रहेगा। लेकिन हाँ, प्रेफर्ड पिक सिटी की तरफ से HPCL रही थी। आरुष केडिया साहब का सवाल है कैस्ट्रॉल गोइंग वेरी स्लो। आरुष साहब, कैस्ट्रॉल की हिस्ट्री कभी पढ़िएगा, आपको ये हमेशा ऐसे ही शेयर दिखेगा। वैसे तो कंपनी कैश रिच है, डेट फ्री है, मल्टीनेशनल प्रमोटर है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है, और सबसे बड़ी बात बहुत इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है। यानी कि अगर आप ये एक ही कंपनी मेरी याददाश्त में पड़ती, इसने रिवर्स बायबैक किया, रिवर्स फेस वैल्यू खरीदी थी, यानी एक की फेस वैल्यू 10 में कन्वर्ट कर लिया था, तो ऐसा बहुत कम होता है, और ये शायद इकलौती कंपनी है इंडिया में उसने ये काम किया था। लेकिन फिर भी ये थोड़ा स्लो मूविंग ही है, धीरे धीरे ही चलता है, डिविडेंड देता रहेगा, धीरे धीरे चलता रहेगा। तो बहुत ज़्यादा फायर वर्क क्यों यहाँ रखें भी नहीं आप इस स्पेस में, आप IGL MGL गुजरात गैस टाइप कंपनी को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, वो थोड़ा एक बार को जल्दी चल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी ज़रा बजट आ जाए, थोड़ा कूल ऑफ हो जाए मार्केट, उसके बाद इनको आप देख सकते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल और लेता हूँ, बर्गर किंग पर 180 रुपये पर होल्डिंग है, 400 शेयर अबाउट 5000 ही, आगे क्या करना है सर? देखिए बर्गर किंग के लिए सर एक चीज़ साफ है कि इसमें अगर आप पेशेंस दे सकते हैं तो आप अभी बने रहिए, कि आप ऐसे समझिए 60 रुपये की चीज़ ये लिस्ट हुई 180, मतलब हुई तो लिस्ट 110-120 पर थी, वहाँ चलते चलते 180 फिर 220 तक गई, तो 4 times हो गया, फिर वहाँ से अब कूल ऑफ हो रहा है। तो अब कूल ऑफ होकर फिर जल्दी चढ़े होते हैं और जल्दी उतरने वाले होते हैं उनको उतारा जा रहा है, मतलब उस तरह के लोग जो हैं उनको निकाला जा रहा है। जैसे ही वो ईज आउट हो जाएगा, काफ़ी लंबा समय कंसोलिडेट कर लेगा एक स्पेस में, फिर इसमें दोबारा तेज़ी है, दोबारा मूव आएगा। 120 रुपये पे बसंत महेश्वरी साहब ने इसमें स्टेक खरीदा और बड़ी पोजीशन खरीदी है, अच्छी कंपनी है, आप बने रह सकते हैं, नई खरीदारी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल